26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर सोमवार को मौलिक अधिकार पार्टी ने पद यात्रा निकाला। इस संबंध में शिव शंकर विश्वकर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में बराबरी होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शिव शंकर विश्वकर्मा ने कहा, शंकर विश्वकर्मा पाडले गंज, अरे क्या डॉक्टर अम्बेडकर चौक से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक से हैं, पैदल शांति मार्च कचहरी तक जाएगा, कचहरी कार्यालय डीएम कार्यालय। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अगर आज संविधान लोगों को पढ़ाया गया होता, बताया गया होता, संविधान दिवस की लोगों को जानकारी दी गई होती तो आज लोग काफी लोगों को जानकारी हो गई होती संविधान की, और संविधान अगर घर घर तक पहुंचाई गई होती, लोग संविधान पढ़े होते हैं, लोगों को संविधान की जानकारी होती, लोगों को अपने हक और अधिकार की जानकारी होती। संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की सारी बातें लिखी गई है। एक आदमी का एक वोट है, एक वोट की एक कीमत है, उस कीमत को संविधान निहित करता है कि दिया जाए। सामाजिक, संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, क्यों कहने का मतलब है कि सब में बराबरी होनी चाहिए। क्या सामाजिक न्याय में बराबरी आई, क्या आर्थिक में बराबरी आई, क्या राजनैतिक में बराबरी आई? बराबरी नहीं आई। इसलिए मौलिक अधिकार पार्टी बाबा साहब के उद्देश्यों के, संविधान के उद्देश्यों से, इस यह अनुच्छेद 39 में जब 39 का ख ग घ अंगा पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगी।